उसे ऑर्डर किया था स्टेशन पे, देखे गया था जोमेटो वाले, बट खाना तो सही था, बस उसका पैकेजिंग वगैरह ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। वहाँ पे जो है लेबल वगैरह नहीं था, ठीक है, इसके वजह से जो मैंने वहाँ पे जितना भी खाना दिया मैंने बाद में उसको रिपोर्ट भी किया था, बट अभी तक मेरे को कंफर्मेशन नहीं दिया क्या होंगे नहीं होंगे, देखते हैं आगे की तरफ फिर चलते हैं, है ना। बस अब आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ है, जिस ट्रेन पे हम सफ़र कर रहा था उस ट्रेन पे क्या हो गया, एक बंदा जो है ट्रेन से गिर गया है और उसको अगले वाले जिस रोड पे गिरा है वहाँ से लगभग जो है 50 किलोमीटर दूरी पे गिर गया था। और उसके बाद अभी आ गया और अभी आने के बाद जो है उस बंदे ने जो है नहीं कि ऐसा करके सफ़र करो यार, ट्रेन से गिर गया तो उसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं अभी देखा उसको बिल्कुल एकदम फोन फोन से भरा हुआ है पूरा बॉडी, ठीक है, बट वो ट्रेन से गिरा था पहिए के अंदर नहीं है, बाहर जाके पड़ गया, अगर पहिए के अंदर आ गया तो कुछ भी हो सकता था। तो इसके लिए हाँ ऐसा करके सफ़र करो यार, ट्रेन पर कोई दिक्कत ना हो, है ना। मतलब जिस ट्रेन से गिर गया था बहुत सारे लोग जो है नीचे की तरफ आया था, मैंने सोचा था नहीं है कुछ, फिर आप भी देखा तो ऐसा है गिर गया। किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग अगर ऐसे सफ़र करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान खुद ही का होता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा यार, सही से सफ़र करो ट्रेन में, ठीक ठाक करो, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए, अपना ख्याल रखो, टेक केयर, आगे देखो।